16 तारीख को हमने एक रिपोर्ट बताई थी आपको कि पशु तस्करों की जो गाड़ी है आकली बटान में बीच खाई में जा गिरी थी, वहां से हमने आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जेके मीडिया के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की थी। उसी के चलते आज जो एमएलए बलदेव राज शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए बलदेव राज शर्मा जी वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्हें पूरी जो वहाँ का जायज़ा लिया और पूरी जहाँ पर जगह जहाँ पर गाड़ी गिरी थी वहाँ पर पहुँचे और मौके पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ के पंच, सरपंच और अपने जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं उनके साथ वहाँ पर, गांव वालों के साथ वहाँ पर एक मीटिंग रखी। उन्होंने साफ साफ निशान, सवालिया निशान जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगाए हैं कि ये पुलिस की नाकामयाबी है। और हम आपको बता दें, जहाँ तक कि हमें आपको याद होगा कि दूसरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर शेरबाड़ चौक में वहाँ पर रास्ता भी जाम कर रखा था, टायर जला रखे थे, जाम लगा था, पुलिस ने आश्वासन दिया था और बलदेवराज शर्मा ने सीधा सवालिया निशान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगाया है, एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाया है कि ये उनकी नाकामयाबी है। अभी तक वो ये नहीं पता लगा सके कि 4 दिन हो गए, अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ से लोड हुई, किसकी है, क्या है। कुलप्रिट्स कहीं बाहर घूम रहे हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आराम से, आराम की नींद सो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उसी समय एसएसपी रियासी को फ़ोन किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो कुलप्रिट्स हैं उन्हें अंदर किया जाएगा और इस मामले की पूरी बारीकी से जाँच की जाएगी ताकि गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ से लोड हुई और किन किन नाकों से गुजरी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जेके मीडिया की ये खास रिपोर्ट आखली बटान कटरा से। समझना चाहिए कि बड़ा भारी कोई अलार्म की घड़ी आई, सारा तो बड़ी भारी खराबी होने लगी है, ये गल हुई। अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं सवेरे का उस दिन टूट गया थी, मैं इतने मौके पर ना हाँ, मगर मौके पर तुसे अपना रूस पकड़ किया, धरना भी लगाया, सारी चीज़ें कीतियाँ और धरना लगाने के बाद जिस टाइम नहीं पता लगा तो मैं पुलिस की साफ तौर पर आख्या भाई पता, मैं रवि सरपंच जी बड़ा धन्यवाद देना चाहना भाई, इन्हें नामजद हुई है। अपना दो किस्म के परचे होंगे, एक तो परचा होंगे कि पुलिस आपको सूह मोटो लगा दी, बकुआ होया तो उन्हें लगा दिता, एक परचा होंगे कि कोई कंप्लेंट बने फिर सरपंच बने, कंप्लेंट सरपंच बनने के बाद और मैं जो चिट्ठी पढ़ा ना उन पर जोड़ा इन्हें परचा दिता, इन्हें बड़ा टैक्नीकल परचा दिता जी, हम सुदर्शन जी ने आख्या भी है कि असर दरखा चढ़ी बनवाई रियासी का कटरिया जी बनवाई ऐसा कि जेद कि सारी दफा जी उसे कम कर, मैं सारी गलबात थोड़ा बीच सवेरे रात अब फोन किया, हमें आज जहां आखली में जहां के सारे पंच साहबान, सरपंच साहबान, आखली भूटान से सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वो इस रोष के लिए कि जो 16 तारीख को गोहत्या यहां पे हुई थी उसके रोष में ये सराउंडिंग्स के सारे पंच साहबान, सरपंच साहबान, लंबरदार मौजूद लोग सारे के सारे और खास तौर में इस पे बीडीसी के चेयरमैन अपने श्यामलाल जी, यहाँ के सरपंच रवि शर्मा जी, यहाँ के सरपंच रोशन जी, यहाँ से सरपंच मतलब अपने पप्पू जी, यहाँ से एक्स सरपंच जहाँ जी रतन सिंह जी, यहाँ पे एक्स सरपंच बलदेव सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी से मतलब के महामंत्री सुदर्शन जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे मेरे साथ जो आए थे अपने रंजीत जी और बाकी सब लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस रोष के लिए, और यहाँ पे एक बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रोष भी लोगों ने जतलाया है और रोष जतलाने के बाद
पुलिस की नाकाबिलियत पे ऊपर भी मतलब पे यहाँ पे निशान लगा है। और जिसमें ये हुआ कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख को उन्होंने पुलिस ने कहा था कि 2 दिन के भीतर ही हम सारी इन्वेस्टिगेशन करके कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें हुई हैं उनको पिन आउट करेंगे। मगर बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने वहां पे कुछ नहीं किया और नहीं करने के बाद ही लोगों का वेट इंतजार होने के बाद ये आज का जनरल अजलास जहां पे आखिरी में बुलाया गया था जिसमें हमने एसएसपी साहब से बात की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एसएसपी साहब का मशहूर भी हूं, उन्होंने हमारी सारी बात को जो यहां पे बातें हुई हैं उनको बड़े धीरे से सुना और धीरे से सुनने के बाद उन्होंने इसके समाधान के लिए एक बड़ा छोटा सा समय हमसे भी मांगा है जिसमें ये कहा है कि ये सारी की सारी चीजें जिसमें मेन हमारा मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा ये था कि पशु कहाँ से आए ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किसने उनको बेचा है। फिर उसके बाद ये था कि गाड़ी चली कहाँ से और गाड़ी चलने के साथ पशुओं को उस गाड़ी में बिठाया किसने है, ये सारे के सारे लोग कल्प्रिट हैं, ये हत्या हुई है और ये हत्या का केस भी जो बना हुआ है हम तो ये चाहेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट फास्ट तरीके से करें। और हमें पूरा यकीन है एसएसपी रियासी पर कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है तो उसके मुताबिक वो खरा भी उतरेंगे और ये इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो कल्प्रिट हैं और जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस गाड़ी विदाउट परमिशन यहां पे थी जो वहां से पशुओं को ले जा रही थी, ये बड़ा एक संगीन जुर्म हुआ है, ये गौ हत्या हुई है, सारे इलाके में इसका रोष है और इस रोष को ठीक करने के लिए कार्रवाई होना बहुत उचित कार्रवाई बहुत होना जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आला अफसरों पे, यहाँ के डीसी महोदय पे, यहाँ पे एसएसपी को कि वो मौके की नजाकत को समझते हुए इसमें तेजी लाएंगे और जो जिन लोगों ने इसमें अपना रोल अदा किया है उनको पनिश करेंगे, यही हमने कहना है।